नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मरुधर यात्री व्लॉग के नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जयपुर का सफ़र एक दिन में कर सकते हैं, क्या क्या टूरिस्ट प्लेस रहने वाली है और कितना खर्चा होगा। जयपुर में जयपुर दर्शन बस चलती है जो सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको मिलती है। इसका समय सुबह 9 बजे से है। सामने की ओर हमारी बस आ चुकी है, जयपुर दर्शन बस, जो हमें जयपुर शहर का भ्रमण करवाकर शाम को 6 बजे के आसपास वापस यहीं पर लाकर ड्रॉप कर देगी। हमारा सफ़र कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, जिसमें कुल 7 टूरिस्ट प्लेस होंगे, जिसमें से कुछ ऑन द वे होंगे, कुछ पर हम जाएंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। तो पूरे वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का। निकल चुकी है हमारी बस और इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं राज मंदिर सिनेमा हॉल के पास। जयपुर शहर का एक लोकप्रिय सिनेमा बोल सकते हैं आप इसे। सामने की ओर है राज मंदिर सिनेमा, हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट। बहुत ही खूबसूरत सिनेमा हॉल बना हुआ है और काफ़ी बड़ा और भव्य सिनेमा हॉल है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ से हमारी बस आगे की ओर जाएगी और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा बिरला मंदिर। बिरला मंदिर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है मंदिर परिसर के अंदर और ये बिरला फाउंडेशन द्वारा बनाया गया मंदिर है। बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर बना हुआ है, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। बिरला मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे आगे की ओर। बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ बिरला मंदिर से सामने मोती डोंगरी पहाड़ी भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बिरला मंदिर में घूमकर और अब यहाँ से हमारी बस जाएगी आगे की ओर। हमारी बस इस वक्त बढ़ रही है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की तरफ। काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत म्यूज़ियम बना हुआ है जयपुर शहर में, जिसमें मिस्र देश से लाई हुई एक मम्मी भी रखी गई है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ का एंट्री टिकट 52 रुपये का है, भारतीय पर्यटकों के लिए 52 रुपये का है। और बहुत ही विशाल और भव्य अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम बना हुआ है यहाँ पर। आप इसे जयपुर शहर का एक संग्रहालय बोल सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है ये दूर से। हम लोग निकल चुके हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम से आगे की ओर। अब हम जाएंगे आगे, आएगी जयपुर सिटी, 200 साल पुरानी गुलाबी नगरी। आपको जयपुर में बहुत ही भव्य बिल्डिंग है और एक हेरिटेज लुक देखने को मिलता है। जब भी आप जयपुर का सफ़र करें तो इस बस से ज़रूर करें। बस में एक हमारे साथ गाइड भी होता है जो हमें आने वाली हर एक जगह के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होगी जयपुर शहर के, पुरानी सिटी बोल सकते हैं आप इस जगह को। एक हेरिटेज लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुलाबी नगरी जिसे कहते हैं वो यहीं पर है। आगे की ओर हवा महल आने वाला है, हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा हवा महल पर। लेकिन यहाँ पर ये बस 2 से 3 मिनट के लिए रुकेगी क्योंकि यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं है। हवा महल आपको ऑन द वे ही मिलेगा। अगर आप हवा महल में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो 52 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ पर आप हवा महल भी घूम सकते हैं। सामने की ओर है हवा महल, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है आपको यहाँ से। जयपुर शहर का एक पर्यटक स्थल, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं।
आप यहाँ पर घूम सकते हैं। हमारी बस यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए रुकेगी और उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे इस बस का स्टॉप है जंतर मंतर और सिटी पैलेस। आप चाहें तो दोनों जगह पर घूम सकते हैं। निकल चुके हैं हम लोग जयपुर हवा महल से आगे की ओर और सामने भव्य गेट आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ से हम एंट्री करेंगे जंतर मंतर के लिए। सामने की ओर सिटी पैलेस है जहाँ का टिकट प्राइस 300 रुपये है। आप चाहें तो देखने के लिए जा सकते हैं। और ये इस ओर है जंतर मंतर। अच्छा, टिकट लेते हैं। जंतर मंतर का एंट्री टिकट 52 रुपये का है। यहाँ से आप टिकट लेकर अंदर घूमने के लिए जा सकते हैं। अंदर एक पत्थरों से बनी हुई वेधशाला है जो समय और ग्रहों की भविष्यवाणी वगैरह की जाती थी पुराने ज़माने में। बहुत ही बड़े बड़े डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी लोकप्रिय जगह है जयपुर शहर में जंतर मंतर। पूरे जंतर मंतर में घूमने के लिए कम से कम आपको आधे से पौन घंटे का समय लगेगा। और इसके पास ही है सिटी पैलेस। आप चाहें तो सिटी पैलेस देखने के लिए जा सकते हैं। जंतर मंतर में आप कठपुतली का शो वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमारी बस का नेक्स्ट स्टॉप होगा अंदर नहीं बना रहे ना। कपड़े वगैरह की दुकानें हैं, शॉप थी एक जहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए उन लोगों ने मना कर दिया। और हम इस वक्त रुके हैं एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आधे घंटे का स्टॉप है। यहाँ पर खाना पीना होगा और उसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग। आधे घंटे का स्टॉप है यहाँ पर बस का। जयपुर सीरीज के सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर जरूर देखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि कम से कम खर्चे में आप जयपुर का टूर किस प्रकार से कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा बजट 406 रुपये था। 406 रुपये में हमने पूरा जयपुर कवर कर लिया था। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट की पास। ये यहाँ का पार्किंग स्थल है और सामने की ओर आपको भव्य किला दिखाई दे रहा होगा। यह है जयपुर शहर का आमेर किला, आम्बेर फोर्ट भी बोलते हैं इस जगह को। बहुत ही भव्य और विशाल किला बना हुआ है। ये यहाँ का पार्किंग स्थल है। यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। काफ़ी सारे देशी और विदेशी पर्यटक आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक भव्य और विशाल किला बोल सकते हैं आप इसे। जयपुर शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है आमेर फोर्ट। यहाँ का एंट्री टिकट 102 रुपये है और पूरे किले में घूमने के लिए आपको कम से कम घंटे भर का समय लगता है। बहुत ही भव्य और विशाल किला बना हुआ है। आपको सारे वीडियोज मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आमेर फोर्ट में आपको शीश महल और काफ़ी सारी भव्य चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पर एक देवी माँ का प्राचीन मंदिर भी है और यहाँ सुरंगें भी बनी हुई है जो आप लोग देख सकते हैं। सारी जगह घूमने के बाद अभी समय हो चला है 5 बजे, जहाँ यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपनी बस की ओर। तो पहुँच चुके हैं हम अपने बस के पास। ये डबल डेकर बस है जो जयपुर दर्शन का टूर करवाती है। यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे जहाँ हमें जल महल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं जल महल के पास। यहाँ ये चौपाटी टाइप पूरा मार्केट बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी सारे पर्यटक आपको यहाँ पर मिलेंगे।
ये मुख्य रोड पर ही है। सामने की ओर आपको जल महल दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ का भव्य गेट बना हुआ है और ये है यहाँ जयपुर की सबसे प्राचीन झील मानसागर, जिसके बीचों बीच बना हुआ है जल महल। जयपुर शहर का एक मुख्य पर्यटक आकर्षण केंद्र बोल सकते हैं आप इस जगह को। तो दोस्तों, ये था जयपुर शहर का संपूर्ण एक दिन का टूर वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। पहुंच चुके हैं हम सिंधी कैंपस स्टैंड के पास। संपूर्ण जयपुर सफ़र हमारा समाप्त हुआ है। मिलता हूँ आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।